जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कृष्णा को भी तो तैयार होना होगा। माला को परफ्यूम का बहुत शौक था, हो सकता है कृष्णा को भी। मैं एक काम करता हूँ, कृष्णा को कह देता हूँ कि कपड़े पहनकर तैयार होकर मेरे रूम में आ जाए और अपनी पसंद का परफ्यूम लगा ले। मुझसे तो पार्टी के लिए इंतजार ही नहीं हो रहा है। जल्दी से शाम हो और कामिनी मैम सब सबको गिफ्ट दे, सब कितना खुश हो जाएंगे ना। और उन्होंने तो कहा है कि वो पार्टी के सरप्राइज के लिए सेटिंग करेंगी। अब तो वो सब तभी होगा ना जब मेम साहब आएंगी। कृष्णा, क्या गिफ्ट देने वाली है कामनी जी मुझे? वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपको एक सरप्राइज देने वाली है। और अगर मैंने आपको बता दिया उनका वो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। कृष्णा, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि कामिनी जीजी मुझे क्या सरप्राइज देने वाली है, बताओ मुझे। सर जी, मैं कामिनी मैम साहब को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ। मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ा था और मुझे कामिनी मैम साहब के साथ वही काम नहीं करना, अपने बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं बनना। सॉरी सर जी। हाँ भाई बोलो। क्या गिफ्ट देने वाली हो मुझे आप? भाई सरप्राइज गिफ्ट है, अगर अभी से बता दिया तो फिर काहे का सरप्राइज? देखो अभी पार्टी तो शुरू होने वाली है ना, तब पता चल जाएगा तुम्हें तुम्हारा क्या गिफ्ट है। ठीक से करो ना वो। अरे तुम्हारे जीजा जी जो है ना, हमारी साड़ी की प्लेट भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। जी जी, एक बात याद रखना, यशोदा जी की वजह से दोबारा आप इस घर में आ रही हो। अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो याद रखना मैं छोड़ूंगा नहीं, थोड़ी सी अगर शर्म हो ना तो वो रख लेना। तमाशा तो आज हो करके रहेगा, गलती चाहे किसी की भी हो सजा सबको मिलेगी। जिज्जी पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसलिए नजर रखनी होगी। गलती मैंने की है तो सजा भी मैं भुगतूंगा, प्रायश्चित भी मैं करूंगा। इनको कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।